हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं इस तरीके से वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडियो के ओनर हैं वो घर गए हुए हैं, अभी वो हैं नहीं, और आप लोगों की डिमांड ये है कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियोज़ बनाने पर मजबूर हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहला टॉपिक है सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। इसका सिंपल सा मतलब क्या है वो समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग टेस्ट में देखते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है या आपका एक मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पर जो दवाएँ आती हैं सेल करने के लिए, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट और पहुँचाने के लिए, तो वो किन किन माध्यम से, किन किन लोगों से गुजरती हुई आती हैं, वही क्या है, सप्लाई चेन है। और ये आप अच्छे से जानते भी हैं कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या है वो दवा बना रही है, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी या हर हॉस्पिटल या हर क्या फार्मासिस्ट का जो मेडिकल स्टोर है, जो फार्मेसी है, वो डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से डायरेक्ट मतलब दवा खरीद ले। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब ज़्यादा होता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि हर कंपनीज के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर होलसेलर होते हैं, तो वहाँ से फिर आदमी क्या करता है, दवा वगैरह लेता है। तो वही है क्या सप्लाई चेन, कि कौन कौन से लोग बीच में आ रहे हैं आप तक दवा पहुँचने के बीच में। ऐसे ही सप्लाई चेन के अंदर वो तमाम चीज़ें भी आती हैं जो एक दवा को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, यानी दवा का प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। तो चलिए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। सप्लाई चेन ऑफ ड्रग्स। ए ड्रग सप्लाई चेन इज द नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। आप समझ चुके होंगे कि कह रहे हैं कि ड्रग सप्लाई चेन का मतलब क्या है। ए ड्रग सप्लाई चेन इज द नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, क्या है, एक नेटवर्क, यानी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल है, यानी बहुत सारे लोग इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये नेटवर्क क्या है, अलग अलग एक एक आदमी का भी हो सकता है, और इस नेटवर्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, यानी कई सारे लोगों का एक ग्रुप भी आ सकता है। ऐसे ही वो तमाम रिसोर्सेज, वो जरिए और वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक दवा के बनाने में और उसके सेल में क्या है इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, सप्लाई चेन ऑफ ड्रग में। यहाँ पर ड्रग की बात हो रही है, वरना कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, सप्लाई चेन ऑफ एनी प्रोडक्ट। अभी एक फ्लो चार्ट है, ये आप अपने उसमें बना दीजिएगा, बुक्स जो भी बुक्स वगैरह हैं उसमें इस तरीके के चार्ट्स दे रखे हैं। तो कैसे बनती हैं, तो मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये रॉ मटेरियल वगैरह अपना जो भी मंगाती है, फिर अपना जो मशीनरी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, सारी चीज़ें आ गई उसके बाद। तो अब यहाँ दवा बन के तैयार हो गई, प्रोडक्ट बन गया, तो उसके बाद से कहाँ पर जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वो यानी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर होते ले जा इधर उधर बांटते हैं, ऐसे MR वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो दवा कहाँ जाती है, होलसेलर के पास जाती है, फिर वहाँ से रिटेलर के पास जाती है। अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके पास दवा कहाँ से आती है, तो ये तो कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकती है, और हॉस्पिटल जो फार्मेसी है ये दवा क्या है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले लेती है, या तो फिर होलसेलर से लेती है, या फिर रिटेल, ज़रूरत पड़ने पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, मान लीजिए अचानक से कोई ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी है, अब इनसे लेने में टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट रिटेलर से भी दवा हॉस्पिटल फार्मेसी वाले ले लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही या कंपनी से ही डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट करते हैं और ऑर्डर देते हैं, टेंडर देते हैं कि मुझे इतनी दवाएं चाहिए, मुझे बना के दो। तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन जो मतलब उमूमन जो तरीका है वो यही है, ठीक। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, तो लिस्ट आप जानते हैं, लिस्ट का मतलब लिस्ट होता है, यानी बहुत सारी दवाएं उसमें क्या है एक साथ में लिखी हुई हैं, मान लीजिए बहुत सारी दवाएं एक साथ में लिखी हुई हैं, एक लाइन से लिखी हुई हैं, तो वो लिस्ट होता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ खास दवाएँ होती हैं अलग अलग मौक़ों के लिए, अलग अलग टाइम्स के लिए। अलग अलग टाइम्स मतलब ये कि उनके कंडीशन के हिसाब से, मान लीजिए कभी इमरजेंसी कंडीशन है या कुछ दवाएं होती हैं, अगर उनको गलत तरीके से ले लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, या कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाएंगी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ की जो दवाएं हैं उनको क्या किया गया, अलग अलग लिस्ट उनकी बना दी गई है, तो वही होता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें। इट इज़ ए प्रोसेस टू कैटेगराइज,
ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट क्या है, ये क्या है, कैटेगराइज करता है यानी अलग अलग कैटेगरी में बांटता है किसको, ड्रग्स को। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं विद देयर जेनेरिक नेम, तो एक तो दवा का ब्रांड नेम होता है, एक दवा का क्या होता है ब्रांड नेम होता है, और एक होता है जो उसका केमिकल जो साल्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन क्या है, ये उसका जेनेरिक नेम है, और ऐसे ही उसका जो मार्केट नेम है यानी ब्रांड नेम है वो बूफेन के नाम से बिकती है वो दवा। तो इस तरीके से और भी दवाएं हो सकती हैं, ठीक है, तो ये जेनेरिक नेम के साथ में, और फिर उनका स्ट्रेंथ भी लिखा जाता है यानी कितनी पावर की दवा है, कितनी एमजी की दवा है, ऐसे ही वो किस फॉर्म में है यानी किस फॉर्म से उसको यूज़ किया जाएगा, आईवी रूट से या ओरल रूट से कैसे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। और क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, हाँ इसके एक पॉइंट ये है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई कंट्रीज फार्मासिस्ट, और ये जो ड्रग लिस्ट कौन तैयार करता है, तो किसी भी कंट्रीज के जो फार्मासिस्ट होते हैं, ऐसे ही केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो स्टाफ्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं ड्रग लिस्ट। अब कुछ ड्रग लिस्ट हैं आप देख लीजिए कैसे, मतलब क्या क्या होते हैं ड्रग लिस्ट, तो ये कुछ ड्रग लिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए, जिसके बारे में आपको एक ब्रीफली नॉलेज लेना चाहिए। तो उसमें पहला जो है वो क्या, हाई रिस्क ड्रग्स, क्या है हाई रिस्क ड्रग्स, अभी आप इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स। तीसरा क्या है, शेड्यूल H1 ड्रग्स, ऐसे ही एक टाइप है NDPS ड्रग्स, NDPS मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, और एक क्या है, रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स। अब हम एक को एक एक करके देख लेते हैं हर एक को। तो हाई रिस्क ड्रग्स क्या है, हाई रिस्क ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच कॉज सिग्निफिकेंट यानी सीरियस हार्म टू पेशेंट इफ दे आर यूज्ड इनकरेक्टली। क्या मतलब है, कह रहे हैं कि ये वो दवा हाई रिस्क में, वो हाई रिस्क वाली लिस्ट में उन दवाओं को रखा जाता है जो कि अगर उनको गलत तरीके से, अगर उनको गलत तरीके से अगर किसी पेशेंट को दे दिया गया तो बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान उसको पहुंच सकता है यानी वो डेंजरस होती हैं अगर गलत तरीके से किसी पेशेंट को वो क्या एडमिनिस्टर कर दी गई। अब गलत तरीके का मतलब ये है कि उसको देना था मान लीजिए 10 mg और उसको दे दिया 25 mg 50 mg, या तो फिर ये उसको देना था किसी और रूट से, मान लीजिए ओरल रूट से उसको दे दिया आईवी रूट से, तो गलत तरीके से उन दवाओं को अगर यूज़ करा दिया गया तो उससे पेशेंट को बहुत तगड़ा नुकसान पहुँच सकता है। तो वो जो दवाएँ होती हैं जो इस टाइप की, उनको हाई रिस्क ड्रग में लिस्ट में रखा जाता है। अब इसमें कई सारी अलग अलग दवाएं हैं, अब हर एक को हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले नहीं हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो एक दो एग्जांपल के तौर पे आप यूज़ कर याद कर सकते हैं। जैसे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एडिनर्जिक एगोनिस्ट हो गया, ऐसे ही एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो आईवी रूट से यूज़ होते हैं, इनके एग्जांपल्स में जैसे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, प्रोपोफोल, प्राजोसिन, एटिग्नोलोल, आप ये सब पढ़ चुके हैं। अब ये जो दवाएं हैं इसका ये नहीं कि आप ऐसे ही केयरलेस होकर आप ये दवा यूज़ करा था किसी को, तो ये गलती नहीं करना है। हाई रिस्क वाली दवाएं हैं यानी अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो जो पेशेंट है उसको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये वाली जब दवाएं आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। और भी इनके कई पूरी लिस्ट है आप देख लीजिए, PDF में अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। अब एक दवा का टाइप, एक लिस्ट है ड्रग की, वह इमरजेंसी ड्रग्स। तो इमरजेंसी ड्रग्स क्या है, तो इमरजेंसी ड्रग्स में वो दवाएं आती हैं कि जिनको इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक का जैसे खतरा लग रहा है, तो सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सीने में उसके क्या हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो दवा यूज़ होती है। अब ये नहीं कि वो दवा ऐसी जगह रखी हुई हो कि आदमी जाके ढूंढ रहा है आधे घंटे में वो मिल रही है तो उसको खिलाएगा तब तक तो ये आदमी लुढ़क जाएगा, तो इसलिए ऐसी जो दवाएं होती है इमरजेंसी वाली उसको बहुत मतलब ऐसे जगह पर रखा जाता है और ऐसे निशानात लगा के रखे जाते हैं कि वो तुरंत अवेलेबल हो जाए, तुरंत मिल सकें ताकि किसी के लाइफ को बचाया जा सके। ऐसे ही मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, कोबरा सांप किसी को काट लिया उसने, तो अब वो उसकी जो दवा है मतलब सामने रखते हैं और एकदम तैयार रखते हैं, ये नहीं कि उसको ढूंढना पड़ रहा जाए कि स्टोर में उसको जो हमारा स्टोर रूम है उसमें जाके ढूंढ रहा है और एक घंटे में निकाल के रहा है तब तक ये क्या ये जो पेशेंट है ये ख़त्म हो गया। तो ये इमरजेंसी आप समझ चुके होंगे कि ये मतलब ऐसी दवाएं होती हैं जिनकी ज़रूरत मतलब पड़ने पे इमिडिएटली उनको क्या है यूज़ किया जाता है, तुरंत उनको मतलब अवेलेबल होना चाहिए ये वाली दवाएं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है, दीज आर दी ड्रग्स विच मे बी रिक्वायर्ड इमीडिएटली, ये वो दवाएं होती हैं जिनकी ज़रूरत इमीडिएटली अचानक से एकदम जल्दी में पड़ सकती है इन इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में टू प्रिवेंट द रिस्क और हार्म टू पेशेंट
पेशेंट को नुकसान पहुंचने से या रिस्क से बचाने के लिए एंड कैन सेव देयर लाइफ। और ये वो दवाएं होती हैं जो क्या है लाइफ को बचा सकती हैं। अगर इनमें देरी हुई तो फिर क्या है आदमी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ऐसे ही दीज ड्रग्स हैव ऑनसेट ऑफ एक्शन, और ये वो इन दवाओं की खासियत ये होती है कि ये ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है, यानी जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं तुरंत अपना एक्शन ये शो कर देती हैं। तब इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एंड आर एडमिनिस्टर बाई सच रूट विच फैसिलिटेट ऑनसेट ऑफ एक्शन, और ये दवाएं उन रूट से यूज़ की जाती हैं कि जो जिनका एक्शन तुरंत दिखने लग जाए। यानी कि आप ऐसी दवाओं को ओरली ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक घंटे में जाके आपके पेट में डिजोल्व हो रहा है, फिर पहुंच रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, तब तक वो आदमी ख़त्म। तो ये दवाएं ऐसे रूट से ली जाती हैं, जैसे कि आईवी रूट हो गया, आईवी रूट से दवाएं क्या होती हैं एकदम से मतलब अपने टारगेट पे पहुंच जाती हैं। ऐसे ही जो सबलिंगुअल रूट होता है उससे भी दवा क्या जल्दी से टारगेट पे पहुंच जाती हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये दवाएं कैसी होती हैं। इनका जैसे कि एग्जांपल क्या है एपिनेफ्रिन इन कार्डियक अरेस्ट। ऐसे किसी को कार्डियक अरेस्ट यानी समझ लीजिए सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है जब हार्ट फेल्यूर होने का खतरा रहता है, यानी क्या कहते हैं जब क्रोनी आर्टरीज में मान लीजिए ब्लॉकेज आ गया, इस टाइप की कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पे जो दवा दी जाती है इस टाइप की एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, काफ़ी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो दवाएं इमरजेंसी वाली हैं, आप उनको देख लीजिए। जैसे कि एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन इंजेक्शन है, ये सब इंजेक्शन ही है तकरीबन, ठीक है। जैसे लिडोकाइन है। अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल H1 ड्रग्स। अब क्या होते हैं शेड्यूल H1 ड्रग्स, तो ये वो दवाएं होती हैं या ये वो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स हैं या ये कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो आदमी अगर यूज़ करे उसको कुछ लंबे समय तक तो आदमी को क्या एडिक्शन हो जाता है, हैबिट बन जाती है उसकी। जैसे कि कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, चाय ना पिए तो सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को गुटखा खाने की आदत होती है, ऐसे ही ये दवाएं ऐसी हैं कि अगर आदमी इसको कुछ दिनों तक यूज़ करे तो उसका अमल पकड़ लेता है, कहते हैं ना कि इसका अमल हो गया, इसको नशा आदमी करता है जैसे, तो कहते हैं कि इसका आदी हो गया। तो ये जो दवाएं हैं जो शेड्यूल एच में आती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऐसे साइकोट्रॉपिक्स इस टाइप की दवाएं होती हैं जो आपके ब्रेन वगैरह पे काम करती हैं, तो ये आदमी इसका क्या है एडिक्शन हो जाता है, फिर उसको वो क्या है नहीं खाएगा, कुछ बीमारी नहीं है तब भी उसको क्या है वो चाहत होगी, उसको मन करेगा खाने के लिए ये दवाएं। तो इन दवाओं के वो वाली जो दवाएं होती हैं वो इस लिस्ट में आती हैं। और ये जो दवाएं होती हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप एक मतलब मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो ये वाली जो दवाएं हैं इस लिस्ट में जो आ रही हैं आप बिना किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप ये दवाएं नहीं देंगे किसी रिटेल किसी आदमी को किसी कस्टमर को। दीज आर सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स। ये क्या होती हैं सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स होती हैं एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, और ये वो दवाएं होती हैं जो हैबिट बना देती हैं यानी किसी आदमी को आदी बना देती हैं, एडिक्शन हो जाता है उसको। विच आर नॉट अलाउड टू, और ये वो दवाएं होती हैं विच आर नॉट अलाउड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड फिजिशियन और फार्मासिस्ट, और किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये दवाएं क्या सेल नहीं की जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएंगी, जैसे कि अल्प्राजोलाम। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल क्या है यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको चाहें तो कुछ इसमें से याद कर लीजिए, एक बार सबको पढ़ लीजिएगा एक बार दो बार, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्या है आपके दिमाग में रहें। वरना मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया है कि मान लीजिए आपको अगर ज़रूरत पड़े कि कौन कौन सी दवाएं इस लिस्ट में आती हैं देखना चाहें तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। इतना कोई याद तो कर नहीं पाएगा, अगर कोई कर लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक टाइप की जो दवा है वो क्या है NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब ये जानिए कि नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो वो तमाम दवाएं जो अफीम ओपियम जानते हैं ना, ओपियम यानी अफीम या ओपियोइड्स होती हैं, और जो ओपियोइड्स से बनी हुई होती हैं या उनके डेरिवेटिव्स से बनी हुई होती हैं, उनकी डेरिवेटिव्स जो होती हैं, जो ओपियोइड्स हैं यानी डायरेक्ट अफीम से बनी हुई दवाएं हैं, या फिर जो उनकी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स मतलब ये कि उन्हीं के केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ आगे पीछे करके चेंजिंग करके जो दवाएं बनती हैं वो डेरिवेटिव्स होती हैं। तो इस टाइप की जो दवाएं होती हैं वो क्या हैं नारकोटिक ड्रग्स होती हैं। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर केमिकल सब्सटेंसेज विच चेंज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज वो होते हैं जो आदमी के नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड
अल्टर दी मूड, और मूड को क्या करते हैं वो अल्टर कर देते हैं। अल्टर करने का मतलब ये कि आपका मूड अभी एकदम ख़राब सा है तो उसको थोड़ा बदल देंगे, वो अच्छा कर देंगे, अच्छा है तो ख़राब कर देंगे, अल्टर कर देते हैं, ये मतलब होता है अल्टर करने का। और मूड को क्या करते हैं अल्टर करते हैं, और परसेप्शन को भी क्या है थोड़ा सा अल्टर करते हैं, आदमी का जो एहसास होता है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे आदमी का जो कॉन्शियसनेस है, यानी ये आदमी होश में है एकदम ठीक ठाक है, तो उसको जब लेगा तो थोड़ा सा मदहोश हो जाता है, थोड़ा सा मस्त हो जाता है, तो ये दवाएं जो होती हैं ऐसा काम करती हैं जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये दर्द वगैरह में इस टाइप की दवाएं यूज़ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल हो गया, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऐसे ही क्या है मरीजुआना। अब मरीजुआना क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गांजा पीते हैं तो गांजा को क्या बोलते हैं मरीजुआना बोलते हैं, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या है निकोटीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि NDPS एक्ट एक है, ठीक है, कौन सा एक्ट है, NDPS मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है, उसको उसका किस नाम से जाना जाता है 1985 के नाम से। अब ये रूल क्या कहता है, ये एक्ट क्या कहता है, ये फॉरबिड्स, ये क्या करता है फॉरबिड करता है यानी मना करता है। किस चीज़ को ये मना करता है, कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रेड, यूज़ एंड कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज। तो इस वाले एक्ट में ये बताया गया है कि ये जो दवाएं हैं इनको कल्टिवेट यानी इनका इनकी खेती करना, ऐसे इनको प्रोडक्शन करना, इनको बनाना या इनको अपने पास रखना, सेल करना, बेचना, ट्रेड करना, यूज़ करना, और उसको कंजप्शन का मतलब भी है कि यूज़ करना, तो ये जो दवाएँ हैं ये सब क्या है मना है। ये सब दवाएँ, ये जो चीज़ें हैं यानी ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं इनकी ये सारी चीज़ें, यानी इनको कल्टिवेट करना, उनको रखना अपने पास में, ऐसे ही उनसे दवा वगैरह बनाना, कुछ भी करना, ये सब क्या है मना है आम आदमी के लिए। कौन कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस अंडर लाइसेंस। जिन लोगों के पास लाइसेंस है यानी जिनके पास ड्रग लाइसेंस है वो अपने पास रख सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या है साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप आदमी को यूज़ करना चाह रहा है तो यूज़ उसको कर सकता है। अब इन दवाओं के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि अल्प्राजोलाम हो गया, एम्फेप्रामोन हो गया, बारबिटल हो गया, तो इस टाइप की बहुत सारी ये लंबी लिस्ट है, तो आप इसको अगर चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपके जहन में एक आध बार रहे ये, ठीक। अब एक जो टॉपिक है वो क्या है, रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स। अब क्या होती हैं रिजर्व एंटीबायोटिक्स, तो ये समझ लीजिए एक इसका मतलब क्या है रिजर्व एंटीबायोटिक्स का, कि एंटीबायोटिक्स बहुत सारी होती हैं और अलग अलग तरीके के लोगों को इन्फेक्शंस भी होते हैं। अब जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, वो रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। रेजिस्टेंस बनाने का मतलब ये होता है कि वो अपना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकालते हैं जिससे दवाओं का असर उन पे होना बंद हो जाता है। आप रेजिस्टेंट वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या अपना केमिकल लगा रहे हैं, इधर से दवा जा रही है तो दोनों टकराती है, समझ लीजिए न्यूट्रलाइज हो गया, तो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है उस पे दवा का असर होना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको बचा के रखा गया है कि बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो कभी उसका मुकाबला ही ना हुआ हो, कभी उसको देखा ही ना हो। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब उनको छुपा के रखा जाता है, कभी कभी एकदम से अचानक से आते हैं और तहलका मचा देते हैं, वो मार देते हैं, सारे विकेट्स ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ दवाओं को बचा के रखा जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने कभी उससे पाला ही ना पड़ा हो, ताकि उसका वो रेजिस्टेंस ना बना पाए हों। जब दूसरी दवाएं जो एंटीबायोटिक्स जो चल रही हैं वो जब काम करना बंद कर देती हैं, वो उनका मतलब उनका रेजिस्टेंस बन जाता है, जब बैक्टीरिया उनके लिए रेजिस्टेंस बना लेता है, तब फिर ये दवाएं यूज़ की जाती हैं ताकि उस आदमी को ठीक किया जा सके। अगर ये दवाएं भी नहीं काम करेंगी तो समझ लीजिए आदमी वो अब गया। इसलिए कुछ दवाओं को बचा के रखा जाता है कि जब दूसरी दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, उनका रेजिस्टेंस बन जाता है, तब ये वाली दवाएं क्या हैं, ये एंटीबायोटिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब इसका क्या कहते हैं टेक्स्ट देख लेते हैं, दी रिजर्व एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच आर रिजर्व्ड। ये जो रिजर्व एंटीबायोटिक्स हैं ये वो दवाएं, वो एंटीबायोटिक्स होती है जिनको महफूज रखा जाता है, जिनको सेव करके बचा के रखा जाता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इन दवाओं को क्या कह रहे हैं कि उन जो इन दवाओं को बचा के रखा जाता है किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड इन्फेक्शन, यानी किस
कॉज्ड बाय मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं किसी मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने बहुत सारे रेजिस्टेंस बना लिया, यानी मान लीजिए कि 5-6 तरह की दवाएं उसको दे दी गई हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं, तो कहेंगे मल्टी रेजिस्टेंस उसने बना लिया है। तो ऐसे जो मतलब ऑर्गेनिज्म है लग रहा है सस्पेक्टेड है वो ऑर्गेनिज्म, या तो फिर डायग्नोस्ड हो चुका है, यानी लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है कि ये मल्टी रेजिस्टेंट है, या फिर क्या चेकअप हुआ और पता चल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंट जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी रेजिस्टेंट है, तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए ये दवाएं क्या होती हैं यूज़ होती है, ये मतलब है सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड इन्फेक्शन के लिए, ठीक। एंड दे आर यूज्ड व्हेन ऑल अदर एंटीबायोटिक्स हैव फेल्ड, और जब और दूसरी तमाम एंटीबायोटिक्स जो चल रही हैं वो जब फेल हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, तब इन एंटीबायोटिक्स को क्या है यूज़ किया जाता है। अब वो कौन सी हैं, ये बहुत सारी हैं, 29-30 के करीब हैं, एक दो बार पढ़ लीजिएगा इसको, एक दो की एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि एस्ट्रियो नाम, कैरूमो नाम, तो ये बहुत सारी हैं इस टाइप की, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद करने का मन करे तो याद कर लीजिएगा। इसका मैं PDF आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी क्या है टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी क्या है इन वीडियोज़ का लुत्फ उठा सकें। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे कोई बात करनी है आपसे, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे यूट्यूब में तो मैं सारी बातें कर नहीं सकता। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।